नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज़ यूपी और मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी ने 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का किया था वादा, इतने दिन में पूरा हुआ लक्ष्य। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रविवार को यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपी पुलिस की इस भर्ती में कुल पदों की संख्या 9,534 निर्धारित की गई थी। इसमें से 9,027 पद SI, 484 पद प्लाटून कमांडर और 23 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का चयन किया गया है। इसके अलावा इस भर्ती से यूपी को 18,005 महिला, आपको बता दें इसके अलावा इस भर्ती से यूपी को 1,805 महिला SI एक साथ प्राप्त होंगी, जबकि करीब 60% चयनित अभ्यर्थी 25 वर्ष से कम आयु के हैं। वहीं यूपी के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,000 पदों को 100 दिन से पहले भरने का जो लक्ष्य रखा था उसे हमने 80 दिनों में पूरा कर लिया है। इसके साथ अवनीश अवस्थी ने कहा कि पुलिस और गृह विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती बोर्ड को नोटिफिकेशन दिया गया था कि पहले 100 दिनों में लगभग 10,000 पदों को भरा जाए, जबकि 10,000 पदों पर आज रिक्तियों को पूरा कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को दी बड़ी सौगात, चित्रकूट में बनेगा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देने के बाद चित्रकूट जनपद के रानीपुर सैंक्चुअरी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के इस फैसले से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड ने शुक्रवार को चित्रकूट के रानीपुर सैंक्चुअरी को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। चित्रकूट में बनने वाला ये टाइगर रिजर्व 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा, जो केन बेतवा लिंग परियोजना के फलस्वरूप पन्नार टाइगर रिजर्व में जल भराव होने के कारण यहाँ के बाघ चित्रकूट की ओर जाएंगे। इसलिए प्रदेश सरकार ने यहाँ टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला लिया है। चित्रकूट का टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू सेंटर बहेलपुरवा गांव में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने इसे तैयार करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया है। सीएम योगी ने कहा, शहरों को अनियोजित विकास हुआ तो अफसर होंगे जिम्मेदार, लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश। प्रदेश के विभिन्न शहरों में हो रहे अनियोजित विकास के लिए अब विकास प्राधिकरणों को जिम्मेदार माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विकास प्राधिकरणों को प्लानिंग के साथ शहर के विस्तार के लिए लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे जहां शहरों के अनियोजित विकास पर लगाम लगेगा, वहीं विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने की कार्यवाही को और पारदर्शी बनाने के साथ नक्शा स्वीकृत करने में तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने के संबंधित आवेदन के लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आवेदकों को बुलाकर मौके पर ही आपत्तियों का निस्तारण करा के नक्शा पास करने के भी निर्देश दिए हैं। प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्र स्वीकृति के प्रकरणों का तत्काल निस्तारण के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट के परामर्श के अनुसार आवेदनकर्ता को बुलाकर समाधान किया जाए। आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर नतीजों की घोषणा की तिथि का ऐलान है संभव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के संबद्ध शासकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों वर्ष 2021-22 के लिए इस साल मार्च अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित की गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख का ऐलान आज यानी कि 13 जून 2022 को किया जा सकता है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 डेट को लेकर राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री ने गुलाब देवी ने पिछले सप्ताह के दौरान जानकारी दी थी कि परिणाम 15 जून तक घोषित किए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 डेट को लेकर आधिकारिक जानकारी बहुत जल्द UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा सकती है। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 और यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 की घोषणा की तारीख का इंतजार कर रहे 47 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सूत्रों से प्राप्त अपडेट के मुताबिक परिषद द्वारा दोनों ही कक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शासन की तिथियों को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्तावित तिथि में से किसी एक पर मोहर लगाने के बाद यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 डेट का औपचारिक ऐलान कर देगा। ऐसे परीक्षार्थी परेशान होने के बजाय आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहें।
दौड़ने लगा मानसून, आज ये इलाके भीगेंगे, यूपी को थोड़ा सा इंतजार, यहाँ जारी रहेगा लू का दौर। देश में वर्षा काल का आगाज हो चुका है। केरल में 1 जून के तय समय की बजाय 3 दिन पहले 29 मई को दस्तक देने के बाद कुछ दिन सुस्त रहा मानसून, अब दौड़ रहा है। इसके असर से देश के कई राज्य भीग चुके हैं, तो कुछ अगले 24 घंटे में भीगने जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, झारखंड समेत कुछ राज्यों में मानसून की फुहारें जल्द पड़ने वाली हैं, लेकिन तब तक गर्मी व लू का कहर जारी रहेगा। यूपी वासियों के लिए राहत भरी खबर है, इस बार प्री मानसून की बजाय सीधे मानसूनी बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसमविदों का कहना है कि इस बार तय समय से पहले मानसून के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। ये भी कहा जा रहा है कि यदि सब कुछ अनुमानों के अनुसार हुआ तो संभव है कि 15 से लेकर 20 जून तक होने वाली बारिश को प्री मानसून की जगह मानसूनी बारिश घोषित कर दिया जाएगा। 15 जून की रात तक गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज व आसपास के हिस्सों को मानसून छुएगा। 16 और 17 जून तक वाराणसी पहुंचेगा और 18 जून तक आधे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। लखनऊ में भी 17 और 18 जून को बारिश के आसार बन रहे हैं। 19 जून को यूपी में अच्छी बारिश के संकेत है। यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए बनाए अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीति, सीएम योगी ने दिए निर्देश। औद्योगिक निवेश परियोजना की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद शुरू हुई प्रक्रिया की समीक्षा रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है, जिसका लाभ नए निवेशकों को आकर्षित करने और पूंजी निवेश लाने में निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाए। अपने सरकारी आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उनके क्रियान्वयन के लिए उद्यमियों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें और निवेशकों के साथ संवाद बनाए रखें। यूपी में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 250 पार, अब कुल 1212 एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले मिले, इसके पहले शनिवार को 237 और शुक्रवार को 209 रोगी मिले थे। लगभग 3 माह बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कुल 86,664 सैंपल की जांच कराई गई थी। अब तक कुल 11,55,69,295 सैंपल की जांच की गई थी। पिछले 24 घंटों में 133 लोग व अब तक कुल 20,057.67 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के कुल 1212 एक्टिव मामले हैं। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। एक दिन में 4,053.403 वैक्सीन की डोज दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल तक 18 वर्ष से अधिक लोगों को कुल पहली डोज 15,33,19.489 व दूसरी डोज 13,89,95.637 दी गई है। कुल मिलाकर 33,27,631 वैक्सीन की डोज दी गई है। यूपी में नई औद्योगिक इकाइयों से बढ़े निवेश व रोजगार के अवसर, आबकारी विभाग ने तैयार की खास योजना। सूबे में आबकारी विभाग की 3 नई आसवनी इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिसमें 450 करोड़ निवेश के साथ 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं 3 आसवनी इकाइयों का निर्माण पूरा कराते हुए उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर बुसरेडी ने बताया कि विभाग की 100-दिन कार्य योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। 3 नई माइक्रो बेवरी रेस्टोबार के साथ खोले जाने की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें 15 करोड़ का निवेश व 30 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत एथेनॉल उत्पादन में प्रदेश का मुख्य स्थान रहा है और राज्य में ऑयल डिपो को एथेनॉल की आपूर्ति करने के साथ देश के अन्य राज्यों को भी आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग ने 1 वर्ष की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत 8 आसवनियों आपको बता दें जिसके तहत 8 आसवनियां स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी व 11 आसवनियों का निर्माण पूरा कराकर एल्कोहल व एथेनॉल उत्पादन का कार्य शुरू होगा। यूपी में उपद्रवियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, गृह विभाग से कहा कार्यवाही ऐसी हो जो मिसाल बने।
लखनऊ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई उपद्रव की घटनाओं के आरोपियों की पहचान कर इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। योगी ने इस मामले में गृह विभाग द्वारा रविवार को शाम तक की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए जो मिसाल बने ताकि भविष्य में कोई भी कानून हाथ में लेने का गुनाह ना करे। उन्होंने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें योगी ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मामले में एक एक व्यक्ति के सीसीटीवी और अन्य वीडियो माध्यमों से पहचान कर कार्यवाही करें। उन्होंने धर्म गुरुओं, सिविल सोसाइटी, शांति समिति से निरंतर संवाद रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं की आय के स्रोतों की पड़ताल करने, श्रुति की वसूली संबंधित आरोपितों से ही करने और आरोपियों के खिलाफ NSASA गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने की बात कही। यूपी में साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम, कानपुर IIT के टूल सिस्टम से पुलिस ऐसे रोकेगी अपराध। यूपी पुलिस सितंबर से IIT कानपुर की मदद से साइबर अपराध के मामले सुलझाएगी। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध रोकने के लिए IIT के वैज्ञानिकों ने टूल सिस्टम विकसित किया है जिसकी मदद से क्राइम रोकने और अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें वैज्ञानिकों ने DGP समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इस टूल सिस्टम का डेमो भी प्रदर्शित किया है। प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे IIT के वैज्ञानिक प्रोफेसर संदीप शुक्ला ने बताया कि सिस्टम का पहला वर्जन 30 सितंबर को तैयार हो जाएगा और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाली पहली यूपी पुलिस होगी। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कारकुन में बने C3I हब में साइबर सुरक्षा को लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल और प्रोफेसर संदीप शुक्ला की देखरेख में वैज्ञानिकों की टीम लगाकर लगातार रिसर्च कर रही है। इसी बीच IIT और यूपी पुलिस के बीच समझौता हुआ जिसके तहत पुलिस ने अपराध रोकने के लिए संस्थान से तकनीक मांगी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू किया और 2 साल के प्रयास के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर टूल विकसित किया। तो ये रही दिनभर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।